हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा एटमल स्टूडियो का सेकंड वीडियो है। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आर्डिनो यूनो बोर्ड में कैसे कोड अपलोड कर सकते हैं, हम एटमल स्टूडियो से वो चीज़ें बताई थी। हम एटमल स्टूडियो में कुछ सेटिंग्स करनी होती है आर्डिनो यूनो बोर्ड में कोड अपलोड करने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी। तो आज के वीडियो में मैं एटमल स्टूडियो के बेसिक्स कवर करूँगा, एटमल स्टूडियो को कैसे यूज करता है, क्या क्या सेटिंग्स करनी होती है, इनिशियल में कैसे प्रोजेक्ट सेटअप होता है, फिर अगर हमें कोड डेवलप करना है तो एडिटर कैसे यूज करता है, डीबगर सिमुलेटर क्या होता है, सिमुलेटर में हम आउटपुट कैसे देख सकते हैं। तो पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए एटमल स्टूडियो एक्चुअली में है क्या है। ये एक IDE है, इसे हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट बोलते हैं। तो ये AVR फैमिली के जो कंट्रोलर्स माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं उनके उनके कोड डेवलप करने के लिए यूज होता है। तो अगर आपने आर्डिनो यूज किया होगा तो बहुत कम लोगों को पता होता है आर्डिनो बोर्ड में भी जो माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं वो AVR फैमिली के होते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन होगा कि जब हम आर्डिनो IDE से AVR कंट्रोलर्स प्रोग्राम कर सकते हैं तो एटमल स्टूडियो क्यों यूज करना है। तो आर्डिनो के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, तो मैं आपको आर्डिनो के कुछ डिसएडवांटेजेस बताता हूँ। सो फर्स्ट पॉइंट, जो आर्डिनो IDE है वो इंजीनियर्स और टेक्निकल लोगों के लिए नहीं डेवलप किया गया है, मेनली वो नॉन टेक्निकल पर्सन के लिए जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं या कुछ डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट्स होते हैं वो करना चाहता है, तो आर्डिनो उनके लिए बनाया गया है। और उसमें हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए वो प्योर एम्बेडेड सी भी नहीं है, वो उनने खुद ने अपना लैंग्वेज डेवलप किया है ताकि इजीली लोग समझ सके। और उसमें सबसे बड़ा इशू है कंपैटिबिलिटी का। सो गाइस, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा आर्डिनो IDE में क्या कंपैटिबिलिटी इश्यूज है। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं आर्डिनो यूनो को प्रोग्राम कर रहा हूँ। सो आर्डिनो यूनो में भी एटमेगा 328 कंट्रोलर होता है। तो अगर मुझे आर्डिनो यूनो की किसी पर्टिकुलर पिन को हाई करना है तो हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं डिजिटल राइट D0, I। ठीक, तो ये इंस्ट्रक्शन है आर्डिनो IDE का किसी पिन पे राइट करने के लिए। पर ये सेम इंस्ट्रक्शन अगर मैं एटमल स्टूडियो में यूज करूं आर्डिनो यूनो की किसी पिन को हाई करने के लिए तो मुझे एरर शो करेगा। ठीक है, एटमल स्टूडियो सिर्फ असेंबली लैंग्वेज या एम्बेडेड सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो एम्बेडेड सी में कभी ऐसा कुछ डिजिटल राइट इंस्ट्रक्शन नहीं होता है। सो ये जो लैंग्वेज है आर्डिनो IDE की जो इंस्ट्रक्शन है वो सिर्फ आर्डिनो IDE में ही एक्सेप्टेबल है। ये उनकी खुद की लैंग्वेज उनने बनाया है, जिनको कोडिंग समझने नहीं आता है या जिन्हें कोडिंग में डिफिकल्टी होती है तो वो आर्डिनो यूज करके सिंपल प्रोजेक्ट बना सके। और आर्डिनो IDE जो है वो प्रोटोटाइप्स के लिए ही यूज होता है। सो अगर मुझे एटमल स्टूडियो में पिन को हाई करना है तो हम वहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखते हैं पोर्ट बी इज इक्वल टू 0x01। तो इससे क्या होगा, एटमल स्टूडियो में ये इंस्ट्रक्शन से आर्डिनो यूनो का जो पोर्ट बी का पिन 1 है वो हाई हो जाएगी। मैं ये सेम इंस्ट्रक्शन टिल माइक्रोविजन में भी यूज कर सकता हूँ अगर मुझे 8051 के पोर्ट बी की पिन हाई करना है। तो एम्बेडेड सी जो लैंग्वेज है वो कंपैटिबिलिटी इसमें है, बट आर्डिनो IDE में कंपैटिबिलिटी इश्यूज है। तो ये डिसएडवांटेज है आर्डिनो IDE का। और भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, हमारे पास ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता आर्डिनो IDE में, हम इंटरनल रजिस्टर्स जो होते कंट्रोलर के उसमें हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं और बहुत कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो अभी हम वापस एटमल स्टूडियो पे जाते हैं। सो गाइस, नाउ कम बैक टू एटमल स्टूडियो, लेट्स स्टार्ट विद एटमल स्टूडियो।
मेरे पास एटमल स्टूडियो का वर्जन 7 है। अगर आपको इंस्टॉलेशन कैसे करना है ये देखना है तो इसके बहुत सारे रिसोर्सेस नेट पे अवेलेबल है और ये बहुत इजी है इंस्टॉलेशन करना। और आपको इजीली एटमल स्टूडियो की साइट पे ये सॉफ्टवेयर मिल भी जाएगा, इजीली अवेलेबल है, फ्री है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें न्यू प्रोजेक्ट में जाना है। न्यू प्रोजेक्ट में आने के बाद यहाँ पे हमें कंपाइलर्स को सेलेक्ट करना है, तो हम जीसीसी सी एक्जीक्यूटेबल प्रोजेक्ट पे सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट नेम कुछ भी रख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अभी जीसीसी एप्लीकेशन 6 है। इसके बाद यहाँ पे ये सारे माइक्रो कंट्रोलर शो करेगा जो कि ये सपोर्ट करता है। ये सारे एटमेल के माइक्रो कंट्रोलर्स है। यहाँ पे आप देखोगे तो एटमेगा सीरीज है, सैम है, एवीआर के सारे माइक्रो कंट्रोलर्स है, 8080 है। हम एटमेगा 3280 सेलेक्ट करेंगे। मैं आपको एटमेगा 3280 के लिए के सिंपल प्रोग्राम्स बताऊंगा कैसे करना है, उससे डीबग कैसे करना है, सिमुलेटर पे उसका आउटपुट कैसे देखना है, हम ये देखेंगे। और उसके बाद मैं से आर्डिनो ओनो बोर्ड पे अपलोड करके बताऊंगा। आर्डिनो ओनो बोर्ड पे अपलोड करने के लिए हमें कुछ सेटिंग्स भी करनी पड़ती है। वो सेटिंग्स मैं ऑलरेडी एक अलग वीडियो में बता चुका हूँ क्या क्या सेटिंग्स करना होता है एटमल स्टूडियो में। अगर हमें आर्डिनो के बोर्ड पे अपना कोड अपलोड करना है तो अगर आपको अपना आउटपुट आर्डिनो के बोर्ड पे देखना हो तो आप वो वीडियो में देख लीजिए कैसे सेटिंग्स करना है और कैसे अपलोड करना है कोड। तो अभी हमारे प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। ये हमारा एडिटर विंडो है। इसका फाइल नेम ऑलरेडी देख सकते हो, .c इसका एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे हम अपना सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं, एम्बेडेड सी में। और ये सारे टूल्स है जो हम यूज करते हैं। ये आईओ विंडो है। ये बिल्ड मीन्स कंपाइल करने के लिए है। तो ये सारे यहाँ पे टूल्स है। और यहाँ ये विंडो में आप अपने सारे फाइल्स देख सकते हो। ये हमारी मेन .c फाइल है। यहाँ पे हमें अपना ऑलरेडी मेरे पास प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए हुए हैं जिसमें प्रोग्राम भी है, तो मैं अभी न्यू प्रोग्राम लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। आपको मैं अपना एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट शो करता हूँ और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट कैसे ओपन करना होता है। तो आपको फाइल में जाना होगा, उसके बाद ओपन में प्रोजेक्ट सॉल्यूशन, तो यहाँ पे मेरा एग्जिस्टिंग एक प्रोजेक्ट है लर्निंग, जिसमें काफी प्रोग्राम्स मैंने ऑलरेडी डेवलप करके रखे हैं। तो अगर आप देख सकते हैं ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा है रनिंग एलईडी के लिए जो 8Mega 3280 के पोर्ट बी के पिंस पे 01 से लेके 254 तक वैल्यूज भेजेगा। तो अगर मैं पिंस पे एलईडी कनेक्ट करके रखूँगा तो वहाँ पे एक पैटर्न जनरेट होता है। तो ये प्रोग्राम काफ़ी सिंपल है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डालने वाला हूँ जहाँ पे मेरे सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल होंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप देखेंगे स्टार्ट में हम एक हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, AVR forward slash IO.h। तो
इस हेडर फाइल में सारे रजिस्टर्स ATMEGA323 के वो सारे इंफॉर्मेशन होती है, कोड्स और उसके सारे रजिस्टर्स। जैसे अगर आपने किल माइक्रोविजन यूज किया होगा कभी 8051 उसमें प्रोग्राम किया होगा, तो उसमें भी हम एक हेडर फाइल इंक्लूड करते थे RET51.h 8051 के लिए, जहाँ पे उसके सारे रजिस्टर्स और पोर्ट्स इंफॉर्मेशन होती है। वैसे यहाँ पे भी ATMEGA328P के 300 पोर्ट्स ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो जब भी हम अपने प्रोग्राम में ऐसा पोर्ट भी या पोर्ट्स भी जो भी लिखते हैं, तो उससे पता होता है कि वो ATMEGA328P के लिए है। उसके बाद हमारा मेन प्रोग्राम चालू होता है, तो इसका हमने जो मेन प्रोग्राम का फंक्शन है टाइप वो इंट है। उसके बाद यहाँ पे DDRB इज इक्वल टू 0xFF, इस पे हम हाई, ये कि DDRB एक रजिस्टर है, तो मैं आपको बताता हूँ ये क्या शो करता है। तो उससे पहले हम ATMEGA328P के पिन आउट पे देखते हैं। तो ये ATMEGA328P का पिन आउट है, जैसे कि आप देख सकते हैं ATMEGA328P के पास 3 पोर्ट्स है, पोर्ट बी सी और डी, और हर एक पोर्ट पे 8 पिन्स है जो एज अ जनरल पर्पस IO पिन्स भी यूज कर सकते हैं, और उसके खुद के डेडिकेटेड फंक्शंस भी है। जैसे पोर्ट सी के जो पिन्स है वो एज अ IO पिन भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद वहाँ पे ADC जो एनालॉग डिजिटल टू कन्वर्टर ऑलरेडी ATMEGA328P में है, तो जो एनालॉग तो इनपुट पिन है वो भी पोर्ट सी पर ही है। तो अगर मैं इसको हमारे आर्डिनो उनो से कंपेयर करूँ एक बार, तो आप देख तो ये हमारा आर्डिनो उनो है और ये यहाँ पे ATMEGA328P कंट्रोलर है। तो अगर आप अपने आर्डिनो उनो के भी पिन्स देखोगे, फॉर एग्जांपल D8 से लेकर D13, तो ये ATMEGA328P के और D की पिन्स है, और वैसे ही D0 से लेकर D7 जो है ये पोर्ट D की पिन्स है, और जो हमारे एनालॉग पिन्स है वो है पोर्ट C। अगर आप ध्यान से देखोगे पिन आउट को आर्डिनो उनो के बोर्ड पे, तो आप एक चीज देख सकते हैं कि इन्होंने सारे ATMEGA328P के जो IO पिन्स है इनको आउट नहीं किया है यूज करने के लिए, इन्हें सारे पिन्स नहीं दिए है बोर्ड पे यूज करने के लिए। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है आर्डिनो का, कि सारे IO पिन जो कंट्रोलर के है वो अवेलेबल नहीं है यहाँ पे यूज करने के लिए। तो अभी मैं आपको बताता हूँ वो जो DDRB रजिस्टर है उसका मतलब क्या था। तो आपको पता होगा जब भी हमें हर प्रोग्राम में जब भी हम पिन्स को यूज करते हैं, तो हमें डिक्लेयर करना होता है इनपुट पिन और आउटपुट पिन। ओके, तो वो पिन्स डिक्लेयर करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर में कुछ रजिस्टर्स होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पोर्ट बी के पिन्स यूज कर रहा हूँ, तो ATMEGA328P में हर पोर्ट के लिए 3 रजिस्टर्स दिए हैं, वो रजिस्टर्स यूज करके हम पोर्ट्स को कंफिगर करते हैं। तो अगर मैं पोर्ट बी यूज कर रहा हूँ, तो उसके जो रजिस्टर्स होंगे वो होंगे DDRB। तो DDRB है वो डेटा डायरेक्शन रजिस्टर है, जो कि डिसाइड करता है पिन इनपुट वर्क करेगा या आउटपुट वर्क करेगा। तो अगर मुझे पोर्ट बी को एज अ इनपुट पोर्ट यूज करना है, तो मुझे DDRB रजिस्टर में 00 सेट करना पड़ेगा, और अगर मुझे पोर्ट बी को एज अ आउटपुट रजिस्टर यूज करना है, सॉरी अगर मुझे अगर पोर्ट बी को एज अ आउटपुट पोर्ट यूज करना है, तो मुझे DDRB में FF सेट करना पड़ेगा, मतलब उसके सारे बिट्स रजिस्टर के हाई करने पड़ेंगे। वैसे ही जो सेकंड रजिस्टर होता है वो पिन डी होता है। तो अगर मैंने पोर्ट बी को एज इनपुट रजिस्टर कंफिगर किया हूँ और मुझे पोर्ट बी के पिन्स को रीड करना है, इसके पिन्स पे क्या डेटा आ रहा है सेंसर का या
मैंने कुछ इंटरप्ट आ रहा है वो मुझे डिलीट करना है, तो हम जो पिन भी रजिस्टर है उसके वैल्यू को रीड करता है। तो अगर हमें कोड बी के इनपुट पिन्स को रीड करना है, तो हम कोड बी को रीड करने के लिए हमें जो पिन भी रजिस्टर है उसे रीड करना होता है। वैसे ही अगर हमें कोड बी पे कुछ राइट करना है, तो हमें कोड बी जो रजिस्टर है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये जो कोड भी है ये रजिस्टर है, और ये जो कोड भी है ये हमें पिंस आयु पिंस शो करता है। सो अगर मुझे कोड भी के पिंस पे कुछ डेटा सेंड करना है, तो मैं कोड भी रजिस्टर में डेटा फेड करूँगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोड डी पे 01 भेजना है, तो मैं कोड की रजिस्टर पे 01 पुट करूंगा। ओके, तो ये जो हमारा यहाँ पे कोड है, यहाँ पे हमने DDRB मतलब मैं 8 Mega 328 के जो कोड भी है उसे आउटपुट को डिक्लेयर कर रहा हूँ, डिक्लेयरिंग कोड भी के। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है कैरेक्टर साइज का, जो कि अनसाइन है। उसके बाद ये व्हाइल लूप है, व्हाइल लूप में हम कुछ नहीं, बस एक कोड बी पे 1 से लेकर 254 तक वैल्यूज कंटिन्यूसली भेज रहे हैं। तो ये काफी सिंपल सा प्रोग्राम है, अपने आगे के वीडियोस में और सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स डिस्कस करूँगा। अभी के लिए इतना ही। तो अभी प्रोग्राम लिखने के बाद हमें इसे कंपाइल करना होता है, तो यहाँ पे हम कंपाइल करने के लिए बिल्ड में जाना होगा और बिल्ड सॉल्यूशन पे क्लिक करना होगा। तो यह प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है। अगर इसमें कुछ भी एरर्स होगा, तो यह बिल्ड करने के बाद शो करेगा। तो ये कंपाइल हो चुका है 0 एरर के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्ड 1 सक्सेस। तो अब जो बिल्ड होने के बाद जो एडमिन स्टूडियो का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है, वो है इसमें सिमुलेटर। तो आप अपना कोड इसमें टेस्ट भी कर सकते हैं सिमुलेटर में। तो सिमुलेटर ऐसी चीज है, जब आपके पास हार्डवेयर नहीं हो, बट आप सिमुलेटर यूज करके अपना आउटपुट कोड का टेस्ट कर सकते हो। तो सिमुलेटर यूज करने के लिए हमें डीबग में जाना होता है, स्टार्ट डीबगिंग एंड ब्रेक। तो अगर ये डिबगिंग है, यहाँ पे डिसअसेंबली विंडो है, जहाँ पे आपका जो सी इंस्ट्रक्शन है उनका असेंबली लैंग्वेज में जो कन्वर्जन करता है कंपाइलर, वो बताया है, और सारे एड्रेसेस भी दिए हैं, मेमोरी लोकेशन कहाँ पे कौन सा इंस्ट्रक्शन या आउटपुट स्टोर हुआ है। तो ये सारे एडवांटेजेस होते हैं। यहाँ पे आईओ का विंडो है, जहाँ पे आप सारे एसएफआर और रजिस्टर्स का डेटा देख सकते हैं। तो ये देखिए कोड भी है, कोड भी के 3 रजिस्टर्स आप देख सकते हो, पिन भी, टीडीआर भी और कोड भी। तो अगर मैं प्रोग्राम रन करता हूँ, तो जो कोड भी है इस रजिस्टर्स पर 1 से लेकर 255 वैल्यूज आना चाहिए। बट इसमें का भी एक डिसएडवांटेज है, वो आपको भी पता होगा। मैं यहाँ पर मैं प्रोग्राम रन करता हूँ, बट स्टिल यहाँ पर कुछ वैल्यूज नहीं शो कर रहा है। ये प्रोग्राम रन हो रहा है पर कोड भी तो कुछ भी वैल्यूज नहीं आ रहा है, बट उस पर वैल्यूज आ रहा है पर हमें वो दिख नहीं रहा है। तो इसका ये डिसएडवांटेज है कि हम रन टाइम में रजिस्टर्स की वैल्यू या रजिस्टर्स का जो आउटपुट है वो नहीं देख सकते एडमिन स्टूडियो में।
आप इसको फील्ड माइक्रोविजन आईडी से कंपेयर करें तो अगर आपने फील्ड माइक्रोविजन यूज किया तो वहाँ पे हम ऐसा रन टाइम में भी यहाँ पे हमें वैल्यूज दिखता है। अगर मैंने वहाँ पे रनिंग एलईडी का कोड रन किया तो यहाँ पे मुझे वैल्यूज चेंज होती है दिखती है, बट एटमल स्टूडियो में ये चीज नहीं वर्क करती है। तो हमें ऐसे स्टॉप करके देखना होता है, वापस से मैं प्ले करता हूँ कोड और स्टॉप करता हूँ तो यहाँ पे अभी वैल्यू 69 हो। और एक और तरीका है देखने का, वो है ब्रेक पॉइंट, आप डाल सकते हैं आपके कोड में। तो ब्रेक पॉइंट का यूज आपको पता होगा, ब्रेक पॉइंट डालने से क्या होता है, जब मैं कोड रन करूँगा तो यहाँ पे आके कोड रुक जाता है और फिर उससे वापस से प्ले करने पर ही, रन करने पे ही कोड कंटिन्यू होता है। तो अभी मैं वापस से कोड को रन करता हूँ तो ब्रेक पॉइंट पे आके रुक गया, वापस से मैं उससे रन करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोड की पे वैल्यू चेंज हो गई, वापस से कोड रुक गया ब्रेक पॉइंट पे। फिर मैंने रन किया, फिर एक बार और रन किया, तो आप ऐसे करके देख सकते हैं आउटपुट अपना सिमुलेटर यूज करके। तो आपके पास हार्डवेयर नहीं है तो अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है ऐसा पर, बट अगर आप आर्डिनो आईडी में ऐसा कुछ कर नहीं सकते, आपको उसमें हार्डवेयर होना इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत सारे एडवांटेजेस है और अभी और भी बहुत कुछ चीजें है इसमें फीचर्स, वो मैं अपनी आगे की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी इसको स्टॉप कर देते हैं, अभी ये वीडियो में इतना है बस। मैं आपको ये कोड अपने आर्डिनो के बोर्ड में अपलोड करके बताऊंगा और उसका आउटपुट दिखाऊंगा। अगर उसके लिए हमें कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती है आर्डिनो बोर्ड में कोड अपलोड करने के लिए, उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप फॉलो कर सकते हो। तो अभी मेरे आर्डिनो के बोर्ड में कोड अपलोड करके और इसका आउटपुट So guys, now I am finishing my this video here. Soon I will upload my next video, which will be about IO programming of that Atmega 3280 controller. Also, I am mentioning the link in the description where you will get the programs of that Atmega 3280. Also, you can follow us on our Instagram page, Spacetronics. So bye bye. We will meet soon again.